खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर कत्ल मामले दे विच हुन ऑस्ट्रेलिया दी हुई एंट्री। जस्टिन ट्रूडो वालों लगाए इल्जामां दे उत्ते ऑस्ट्रेलिया ने लिया एक सख्त स्टैंड। इस वेले की खबर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं कि जिस तरीके दे नाल खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर दा कैनेडा दे सरी दे गुरुद्वारा साहब दे पार्किंग दे विच गोलियां मार के कतल किया गया सीगा, तो उस तो बाद जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों सदन दे विच खड़ के गल आखी गई सीगी कि उसके कतल दे विच भारत दे जो दूतावास ने उसका हथ है, तो उस तो बाद दोहां देशां दे विचाले तनाव इस कदर वध जाता है कि हुण लगातार यह मामला भखदा होया नजर आ रहा है। इस दे नाल ही तुहानूं दस्सीए कि हुण जदों यह मामला भखदा होया नजर आ रहा है तो विवाद लगातार वधदा होया भी नजर आ रहा है, तो उस दे विचाले हुण जस्टिन ट्रूडो दे दावे दे विच हुण ऑस्ट्रेलिया ने एक सख्त स्टैंड लिया है, ते नाल दे नाल ऑस्ट्रेलिया दा ये भी कहना है कि जिस तरीके दे नाल जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों इल्जाम लगाए गए ने भारत दे उत्ते उन्हां नूं गंभीर तरीके दे नाल लैण दी लोड़ है, ते जेकर उन्हां दे देश दे विच किसी भी तरीके की कोई भी दखल अंदाजी करता है तो उसनूं असी अपने तरीके दे नाल या कह दीए उन्हां दा कहना कि ढुकवें ढंग दे नाल उस दे नाल सुलझणगे। ते नाल दे नाल ही तुहानूं दस दईए कि ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा इंटैलीजेंस ऑर्गनाइजेशन के डायरैक्टर का कहना है कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या च भारत सरकार की भूमिका होने के कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दावे से सवाल चुकन का कोई कारण नजर नहीं आता। ट्रूडो वालों लगाए गए दोषा मगरों भारत के कैनेडा विचकार कूटनीतिक विवाद पैदा हो गया है, तो नाल दी नाल ही यह भी कहा गया है कि बहुत ही गंभीर दोष है, तो किसी भी मुल्क नूं अजिही कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो नाल दी नाल यह भी बयान दिता है कि समा आन ते कैलिफोर्निया च फाइव आईज इंटैलीजेंस भाईवाला यानी कि ऑस्ट्रेलिया दे विच अमरीका बरतानिया कैनेडा ते न्यूजीलैंड की मीटिंग दे विच शामिल सन, ते उफ उधर एक खुफिया अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की कि निज्जर हत्याकांड का मुद्दा मीटिंग दौरान विचारिया गया या फिर नहीं, पर उधर ही तुहानूं दस दईए कि उन जो खुफिया अधिकारी का कहना है कि इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि निज्जर ते कत्ल कांड का मुख मुद्दा जिहड़ा उस दौरान रखा गया सीगा विचारिया गया सीगा या नहीं, पर सूत्रों के हवाले तो खबर सामने आई है कि वर्जुस को पिछले महीने दिल्ली च G20 शिखर सम्मेलन तो पहला इसकी जानकारी दी गई सी। इस नाल ही दस दी कि भारतीय एजेंटा के लिए हुण ऑस्ट्रेलिया अगला निशाना होने बारे वर्जुस ने कहा है कि यह ठीक नहीं है, नहीं होगा कि उन्हों का कहना है कि जेकर किसी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया च दखल देने की कोशिश की तो वह उस ढुकवें ढंग के नाल सुलझणगे, तो जिस तरीके कूटनीतिक विवाद लगातार वाधा हुआ नजर आ रहा भारत और कैनेडा के विचाले, तो हुण ऑस्ट्रेलिया ने भी इस दे उत्ते एक सख्त स्टैंड लिया। उन्होंने कहना है कि जेकर साडे देश दे विच कोई भी दखल अंदाजी करेगा तो उस दे नाल असी जिहड़ा आ ढुकवें ढंग दे नाल सुलझांगे, तो हुण देखना होगा कि इस मामले दे विच होर की कुछ निकल के सामने आता क्योंकि मामला लगातार भखदा हुआ नजर आ रहा, जिथे कि भारत ने कहा सीगा कि अपने 41 डिप्लोमेट जिहड़े ने कैनेडा वापस सद लवे, तो उस तों बाद कैनेडा ने 41 डिप्लोमेट अपने वापस कैनेडा दे विच बुला ले, जिस तों बाद हुण लगातार मामला पकता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा इस मामले में और की कुछ निकल के सामने आता, पर इसे विचाले हुण ऑस्ट्रेलिया की एंट्री हो चुकी है, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले के सख्त स्टैंड लिया।